पर जयपुर जिले के 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित ऐतिहासिक पौराणिक और धार्मिक नगरी सांबर लेक के पूर्व दिशा में स्थित महाभारत कालीन तीर्थ राक्षस राज शुक्राचार्य की पुत्री एवं यादव वंश के राजा अयाति की धर्मपत्नी और तीर्थों की नानी के नाम से मशहूर देवयानी सरोवर पर हर वर्ष वैशाख सुदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता था। इसमें दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते थे, मगर इस वर्ष कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लगातार 2 वर्षों से मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा। इसमें परिक्रमा में स्थित सभी मंदिरों में सन्नाटा छाया रहा व मंदिरों में पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना कर कोरोना रूपी महामारी का विनाश होने की कामना की गई। ऐसा पालिका उपाध्यक्ष है, कोविड के चलते देखा जा रहा है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं और ये जो सरोवर है ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक आस्था का केंद्र है, देख लो मिला है सुनसान नज़र आ रहा है, केवल पक्षी यहाँ पे हटके लिए नज़र कर आ रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? भाई कोरोना काल चल रहा है अभी और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। भीड़ इतना यहाँ ज़बरदस्त मेला लगता था, लेकिन भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी है जी। और इसका डेवलपमेंट के लिए नगरपालिका पूरा प्रयास कर रही है। जो आप ये नगरपालिका का देख रहे हैं, इसके लिए टेंडर भी हो चुका डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कोरोना काल की वजह से कार्य चालू नहीं हो सका। तो कोरोना काल की वजह से ये डेवलपमेंट रुका हुआ है। आने वाले समय में इस देवयानी का बहुत अच्छा विकास होगा और चारों तरफ से डेवलपमेंट के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। चेयरमैन साहब की तरफ से, मेरी तरफ से पूरा प्रयास है। आम जनता को कोरोना के चलते क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनता से यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा के रखें। सरकारी है, अभी वीरान सा लग रहा है, आप यहाँ देवयानी समिति के पद पर नियुक्त है, क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या है इस धार्मिक तीर्थ की भूमिका? देखिए आनंद जी, आज जो तीर्थ की का जो महत्व है, आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। ये आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज के दिन यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगा करता था और जैसा कि सर्वविदित है, देवयानी सरोवर सब तीर्थों की नानी के नाम से विश्वविख्यात है और पौराणिक तीर्थ है। हर वर्ष यहाँ पर मेला लगता है, भारी संख्या में लोग जो है बाहर से आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण ये मेला यहाँ नहीं भर पा रहा, संपन्न नहीं हो पा रहा। और जो है श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालुगण आते हैं, कुछ तो हम उनको गाइडलाइन का पालन करने के लिए बोलते हैं, ठीक है आप अपने हिसाब से आचमन करके और निकल जाओ। बाकी देख रहे हैं आप कैसा सुनसान है और आज के दिन का बहुत ज़बरदस्त महत्व है। और क्या संदेश देना चाहते थे? आज बुद्ध पूर्णिमा है तो क्या आप पूजा अर्चना करेंगे और क्या ईश्वर से विनती करेंगे? बुद्ध पूर्णिमा पे आज सुबह प्रातः जो है सभी मंदिरों में पूजा अर्चना भी आरती हुई और सभी पुजारियों ने मंगल कामना की, परमात्मा से प्रार्थना की। ये जो महामारी चल रही है,